मुख्यमंत्री बड़ घोषणा राज्यवासी को मिल मागणा टीका। रविवार संध्या राज्यवासी को संबोधन कर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यह घोषणा कर मुख्यमंत्री कहते मे एक तारीख सारा देश में 18 वर्ष बयस वर्ग को करोना टीका दिज्व आम राज्य में टीकाकरण हो कि आम राज्यवासी को टीकापाई गोटे भी टंका देवाक पड़े ना शुणु आउ कौन कहते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। प्रिय भाई और भोनी माने नमस्कार। आज सारा भारत एक कठिन परिस्थिति मध्य गती करुच्ची एक युद्धकालीन परिस्थिति बोली कहले मध्य भूल हेब नहीं। कोविड संक्रमण रे भारत आज सारा दुनिया रे सबुठारू उपरे अच्छी। प्रतिदिन लक्ष लक्ष लोक संक्रमित बहुत दुख कथा। प्रतिदिन हजार हजार लोक मध्य मृत्यु मुखरे पड़ुछंती। आपन माने टीवी और मीडिया रु जानिथिबे दिल्ली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कर्नाटक गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ आदि राज्य माननकरे परिस्थिति आज भयंकर होइछि। एही सब राज्य रे मेडिसिन ऑक्सीजन हॉस्पिटल रे बेड आदि टोटल हेल्थ सिस्टम उपरे बहुत प्रेशर पड़ुछि। सबुठारु दुखर कथा श्मशान घाट माननकरे मध्य सब दाह पाई जागा मिलु नाही। एभली भयंकर परिस्थिति एभली कठिन परिस्थिति भारत इतिहास रे केबे भी आसी नथिला। किछि दिन तले मु परिस्थिति विषय माननीय प्रधानमंत्री और केतेक राज्यर मुख्यमंत्री मानक सह आलोचना करी एवं से मानकर ए विपद समय सहयोग हाथ बढ़ाई। आज ओडिशा 6 राज्य को ऑक्सीजन जगाउछि। परिस्थिति अति भयंकर आम राज्यर सबु सीमांत जिला मानकर मध्य संक्रमणर गभीर प्रभाव पड़ी। गत वर्ष आम समस्ते मिसी कोविड रो मुकाबला करी बात्या हो बा बन्या बा कोविड मैनेजमेंट सबुबेले आपन माने सहयोग करी थी बारू आम अनेक मूल्यवान जीवन रक्षा करी पारिछु। गत वर्ष थरु किंतु ए वर्षर परिस्थिति अत्यंत भयंकर। सरकार को तरफ रु हॉस्पिटल रे बेड ठारु आरंभ करी ऑक्सीजन मेडिसिन एम्बुलेंस आदि सब व्यवस्था को मजबूत करा जाउछि। मु बारंबार कही आसी जे मो पाई प्रतीत जीवन मूल्यवान तेणु यदि आम सतर्क न रहिबा निजे निजर दायित्व प्रति सचेतन न हेबा तेबे सरकार एकाकी केबे भी ए परिस्थितिर मुकाबला करी पारिबे नाही। तेणु मु आपण मानंकु विनम्र अनुरोध करिछि जे आपण माने परिस्थितिर भया भवता को बुझंतु। प्रत्येकटि संक्रमण प्रत्येकटि मृत्यु पछरे रहिछि गोटिए गोटिए परिवारर दुख भरा कहानी। ये निजो बापा मानंकु हराइछि तो के निजो भाई भनी को पुणी कहिछि नव बिवाहित स्त्री निज स्वामी को हराई के बुढ़ा बापा माँ आगरे रोजगारिया पो चली जाऊँ तो केवटी छोट छोट पिला अनाथ हो जाठी पूरा परिवार शेष हो जाऊँ। तेणु यही परिस्थिति रे मु आपण मानंकु हाथ जोड़ी अनुरोध करी जे आपण माने कोविड नियम को ठीक भावे पालन करंतु। अति दरकार न हले बाहर को जानतु नाही किए जाने फिर बेले कोरोना आपण को साथी रे घर को आसी नथिबो। तेणु सावधान रहंतु सबु बेले मास्क ठीक भावे पिनंतु सामाजिक दूरता रक्षा करंतु। ता सहित अन्य कोविड नियम को मध्य पालन करंतु। लॉकडाउन शटडाउन मु केबे भी चाहे नहीं कई भी चाहिबो नहीं। यह आम अर्थनीति को
ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଯଦି ନିୟମ ମାନିବା ଆମେ ଯଦି ସାବଧାନ ରହିବା ତେବେ ବିନା ଲକଡାଉନରେ କୋଭିଡ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିପାରିବା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରିବାର ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ପରିବାର ନିରାପଦ ରହୁ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନିରାପଦ ରହୁ ମୋ ପରିବାରର ପ୍ରତି ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର 18-44 ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରର ରାଜ୍ୟର ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ର 2 କୋଟି ଲୋକ ଟିକା ନେଇପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ମହାସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।